अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड हेलो टू एवरीवन, मैं उषा बुखारी फ्रॉम फन वर्ल्ड लाइव और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नहीं दो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है सोशल मीडिया व्हाट्सएप से रिलेटेड, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा सैमसंग के स्मार्टफोन J4 से रिलेटेड, इसके बारे में करेंगे बात और इन दोनों की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सवेज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का शो। और सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया व्हाट्सएप से रिलेटेड। ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाली सोशल मीडिया ऐप है और इसको आए दिन अपग्रेड और अपडेट किया जाता है। इसी के साथ इसके वॉइस रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा फिर अपडेट और अपग्रेड कर दिया गया है। पहले हमें वॉइस रिकॉर्डिंग फिंगर प्रेस करके करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आप स्लाइड से अपने वॉइस रिकॉर्ड को लॉक कर दें और आप जितना वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं कर लें, उसके बाद आप इजीली इसको सेंड कर सकते हैं। और वैसे इसी के साथ चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो है सैमसंग के स्मार्टफोन J4 से रिलेटेड। और आपको बताता चलूँ ये मिड रेंज स्मार्टफोन है और इसके कुछ स्पेक्स की डिटेल्स कुछ इस तरह है कि इसमें हमें जो डिस्प्ले साइज है वो है 5.5 इंचेस प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें OS एंड्रॉइड 8.0 प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें 16GB रोम और 2GB रैम प्रोवाइड की जाएगी। और अगर अब इसके कैमरा की तरफ आएँ तो इसके कैमरा में हमें रेयर कैमरा 13 MP दिया जाएगा और 5 MP फ्रंट कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ इसकी बैटरी के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसकी बैटरी हमें 3000 mAh की प्रोवाइड की जाएगी और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये हमें 3 कलर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, ब्लैक, गोल्ड एंड ऑर्चिड ग्रे। और इसी के साथ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस ये है कि क्योंकि एक मिड रेंज स्मार्टफोन है तो इसकी प्राइस होगी 20,000 से 25,000 के दरमियान। सवेज ये थी कुछ डिटेल सोशल मीडिया व्हाट्सएप से रिलेटेड और सैमसंग के स्मार्टफोन J4 से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी जरूर मिली होगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट टाइम हाजिर होगा एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।